हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये अवकलन का सेशन चल रहा था क्लास 12 के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं और उस पर झुकेगा नहीं, ठीक है ना। और चलिए चलते हैं, आज देखते हैं एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, क्योंकि पिछले सेशन में हमने देखा था अवकलन का पहला चैप्टर, ठीक है ना। चूंकि पहला जो 5.1 है एनसीईआरटी का, वो सीमा और सतत्ता है, ठीक है बच्चों। तो सतत्ता जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अवकलन जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है 5.2 से, ठीक है। तो हमने 5.2 के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। आज जो है अगले चैप्टर के बारे में, यानी 5.3 पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम चर्चा करेंगे आपका 5.3 पे, ठीक है। 5.3 अवकलन, ठीक है, अवकलन। चलिए अब देखते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि 2x प्लस 3y बराबर साइन x, ठीक है। साइन x का जो है, इसमें मान क्या ज्ञात करना है। मान आपको dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं जरा। तो हल करने के लिए मैं आपको पहले भी, जो पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे, तो मैंने अवकलन को पूरा डिफाइन किया है अच्छे से, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखिएगा, क्योंकि क्या करेंगे, x के सापेक्ष। तो आप पहले लिखिएगा x के सापेक्ष, ठीक है ना, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले इस दो का तो अवकलन होगा नहीं, क्योंकि तो अचर है, इसको बाहर रखेंगे। डी अपॉन डी एक्स, एक्स का, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। और यहाँ पे प्लस, इस चर को, अचर को बाहर रखिए, फिर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, बराबर डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमको डी वाई अपॉन डी एक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक होता है, मतलब ये दो और ये गुणे एक, ठीक है। फिर देखिएगा, y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हमको पता है, क्या नहीं पता है, क्योंकि हमें ये अज्ञात चर दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता है कि y का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, तो हम उसको उतना ही रख देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3, और ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे हमने dy अपॉन dx कर दिया, लेकिन आपको पता था, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 3 डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया, ठीक है। अब 2 को उधर हम ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 3 डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कॉस एक्स, और ये 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इस 3 यहाँ पे 3 गुणा में है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स -2 बटे में क्या, 3। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है, ये आपका टोटल आंसर है। चूंकि देखिए क्या है ना, क्वेश्चन को आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे आराम से करते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप एनसीईआरटी को जो है अच्छे से पढ़िएगा, और इसके एग्जाम्पल को भी लगाइएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज, क्योंकि आप देखेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, आपके एग्जाम्पल से डायरेक्ट फंस जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप उसको एग्जाम्पल को भी देखिएगा। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 2 नंबर, ठीक है ना, प्रश्न 2। और प्रश्न 2 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि 2x, ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। अभी क्या था ना, देखिए दोनों क्वेश्चन आपको सेम दिख जरूर रहे होंगे, लेकिन हैं अलग, ठीक है। क्यों अलग हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस y की वजह से दोनों क्वेश्चन अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, आखिर हम कहेंगे ना, इसका मान ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब जरा सोचिएगा, हम यहाँ लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, एक्स सापेक्ष जब अवकलन करने पे क्या होगा, कि ये अचर जो है ना, इसको पहले बाहर रखेंगे, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 बाहर रखिएगा, डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई, बराबर कितना होगा, ये डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन वाई।
लेकिन y हमें अज्ञात चर दिया है, y का हमें नहीं पता कि इसका कितना होगा, ठीक है ना। इसलिए इसका भी अलग से हमें करना पड़ेगा d अपॉन dx, x के सापेक्ष y का भी अवकलन हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे x का x के सापेक्ष एक, ये किसका किसके सापेक्ष क्या अवकलन होता है पहले वीडियो मैंने इसको बता दिया है आपको, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लीजिए उसको, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका एक हो जाएगा तो दो गुणे कितना हो गया बच्चों, एक हो गया प्लस तीन, और इसका x के सापेक्ष y का अवकलन हमें पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए हम क्या कर देंगे dy अपॉन dx ही इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन साइन y का तो हमको पता है ना, cos y होता है, ठीक है ना। साइन y का क्या होता है, cos y, लेकिन y का नहीं पता है, इसलिए dy अपॉन dx ही छोड़ देंगे वहां पे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, करते क्या है, ये जो दो है ना, दो इसको दो एकम दो यही छोड़ दीजिएगा, इसको उधर लेके जाइए, ठीक है। तो हो कितना जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos y dy अपॉन dx, ये तो पहले से वहीं पे है, जब ये जाएगा तो माइनस तीन dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। देखिए दोनों में क्या हो जाएगा ना, dy अपॉन dx कॉमन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमन कर लेता हूँ, dy अपॉन dx जब कॉमन होगा तो यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा, cos y बचा, यहां से निकला तो माइनस तीन बचा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम इधर लेके आएंगे इस साइड, तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में है तो आके क्या होगा, इधर भाग में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका, भाग में हो जाएगा, तो दो बटे में कितना हो गया आपका, cos y माइनस तीन, ठीक है। और बराबर में क्या बचा आपका, dy अपॉन dx, और इसी का तो मान आपको पूछ रहा था, ठीक है ना, इसी का मान तो पूछ रहा था हमसे, ठीक है। जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही आराम से सारा क्वेश्चन बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है, अच्छे से सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और पेपर पेन लेके बैठिएगा, ठीक है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन को एक एक करके आप सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, और किताब तो आपके पास होगा ही बच्चों, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और बी वाई स्क्वायर है सॉरी, और आगे आपका दे दिया है कॉस वाई, ठीक है ना, कॉस वाई। चलिए कॉस वाई इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, और इसका भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा जरा इसको हल करने के लिए क्या होगा कि हम लिखेंगे कि एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अचर है इसलिए इसको बाहर रखेंगे, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो जाएगा आपका यहाँ पे क्योंकि एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन, ठीक है, प्लस बी बाहर रखिएगा, वाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स का वाई का, चूंकि देखिए घात का भी होगा, पहली बार तो घात का होगा, घात का अवकलन तो पता है, पर क्या वाई का पता है, नहीं ना, तो वाई का भी तो करना पड़ेगा हमको ना इनटू करके, तो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स और ये वाई, और बराबर करिएगा कॉस वाई का, तो डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, पर कॉस का तो हमें नहीं पता है इसलिए हम कॉस का भी करेंगे डी अपॉन डी एक्स और ये वाई, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये होगा एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता है, ठीक है, इसलिए एक ए गुणे एक हो जाएगा, बी तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए घात का अवकलन, घात पहले आता है, घात में से एक घट जाता है, ठीक है ना, तो दोस्तों घात पहले आएगा तो यहाँ पे कितना होगा दो, ठीक है, घात दो पहले आ गया और दो में से एक घट जाएगा क्योंकि मैंने घात का अवकलन आपको बताया था, आपको बताया था ना, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, डी अपॉन डी एक्स है, एक्स के पावर अगर एन दिया है तो क्या होता है एन, एक्स पे एन माइनस वन, बताया था ना ये वाला चीज, तो वही चीज है यहाँ पे, घात पहले आया और घात में से एक घट गया, यानी कि दो में से घटेगा एक बचेगा एक, ठीक है ना। और इसका एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन हमें नहीं पता है, ठीक है, हम उसको ऐसे लिख देंगे क्या, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, चूंकि कॉस वाई का होता है माइनस साइन वाई, ठीक है ना, कॉस वाई का माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का नहीं पता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना बच्चों। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, अब क्या कर देना, सबको उधर लेके चले जाएं, सबको उधर लेके चले जाएं, बाकी जो बचा यहाँ छोड़ दीजिए, इसको ना आप यहीं छोड़िए या फिर इसको भी अगर आप चाहते हैं तो उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दो बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, इसको इधर लाइएगा तो ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा क्या साइन वाई, ठीक है, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
ये जो आपका ए है ना, ए है, एक उधर लेके जाएंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है कॉमन कर लेंगे तो बचेगा टू बी वाई प्लस साइन वाई, ठीक है ना, बराबर माइनस ए, या ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन क्या, डी एक्स बराबर माइनस ए बटे में क्या हो जाएगा आपका, टू बी वाई प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन वाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे अच्छे से, और क्या हुआ कि जल्दी से आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए तीन क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो क्या करिएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं जो है ना और भी एकेडमिक वीडियो बनाते रहूँगा, जैसे कि क्लास 10 का, क्लास 11 का, क्लास 9 का, 8 का, ठीक है 7 का, ये सारे वीडियो आ जाएंगे, ठीक है ना। बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चार नंबर, ठीक है ना, चार नंबर क्वेश्चन है अगला, और कह रहा है यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स याद कीजिए। देखिए पहले ना इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, छोटा सा सूत्र आप जिसमें जान लीजिएगा। इससे छोटा सा सूत्र ये है कि जब भी दो चरों का गुणनफल, ठीक है ना, दो चरों का गुणा हो और उसका अवकलन आपसे पूछते, ठीक है ना, दो चरों का गुणा हो, प्रथम चर इंटू द्वितीय चर, ठीक है, दो चरों का अगर आपको गुणा दिया हो और उसका अवकलन पूछ ले तो अवकलन कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक है ना, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन, ठीक है, इंटू प्रथम का अवकलन, ठीक है, प्रथम का अवकलन, ये वाला फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी पे हम क्या करेंगे, इसको हल करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए होगा क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, मतलब यहां देखिए यहां दो चरों का गुणा है, गुणा है ना, तब अवकलन कैसे होगा, इस वाले फार्मूले पे होगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, प्रथम फलन, ठीक है, द्वितीय का अवकलन, ठीक है ना, प्लस द्वितीय फलन, ठीक है, और प्रथम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवकलन, क्योंकि इसको आप प्रथम फलन मान लीजिए, इसको द्वितीय फलन मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेन का तो अलग होगा, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा वाई। तो देखिएगा यहाँ पे एक्स का तो अवकलन हो नहीं रहा है तो वैसे रहेगा, और वाई का हमें पता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस ये वाई तो ऐसे रहेगा, लेकिन एक्स का, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है, ठीक है, ये तो अपने को पता है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक हो जाएगा। अब जरा देखिएगा टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और प्लस y का अवकलन नहीं पता है तो dy अपॉन dx ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस y को क्या करिएगा, उधर लेके जाइएगा और इसको इधर लेके आइएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x dy अपॉन dx, ठीक है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है उधर, ठीक है, और यहाँ पे आपका sec स्क्वायर x बचा है, और y उधर जाएगा ना तो माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि वाई एकम वाई माइनस वाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन हो जाएगा, ठीक है, दोनों में से कॉमन हो गया तो क्या बचा, x माइनस एक बचा, ठीक है, बराबर यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस वाई, इसको आप अगर नीचे लेके जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई बटे में कितना हो जाएगा, x माइनस वन, ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि आज पूरा हम लोग इसमें पूरा जो है क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है दोस्तों, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 13 प्रश्न है और 13 प्रश्न जो है हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ना पांचवा नंबर कि एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है ना, पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है ना, इसका जो है dy अपॉन dx निकालना है। देखिएगा जरा क्या होगा कि x के सापेक्ष, x के सापेक्ष,
ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना, x सापेक्ष अवकलन करने पे क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे घात है, ठीक है ना, इसलिए d अपॉन डी एक्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना, घात के बाद यहाँ पे दोनों का गुणनफल है और यही वाला सूत्र लगेगा, ठीक है ना, क्या होगा प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, ठीक है ना, प्लस द्वितीय फलन और इंटू क्या होगा प्रथम का अवकलन, ठीक है ना, प्रथम का अवकलन और फिर बच गया वाई का, तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, घात का हो गया लेकिन वाई इसमें एक अज्ञात चर है, ठीक है ना, इसलिए इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा अवकलन, इसलिए क्या हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर, ये जो सौ है ना, सौ जो है अचर है, इसलिए अचर का अवकलन क्या होता है जीरो हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे इसका घात का अवकलन 2x हो गया इस वाले फार्मूले से, ठीक है ना, अब देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x का तो हो नहीं रहा है, y का हमें पता नहीं है, तो dy वाई अपॉन डी एक्स ही रहने दीजिएगा, और यहाँ पे y ऐसे ही होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन एक होता है, ठीक है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस y पहले घात का अवकलन होगा 2y हो जाएगा और घात में से एक घट जाएगा, ठीक है, तो एक बचेगा और यहाँ पे dy वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर जीरो। अब जरा सोचिएगा यहाँ पे इन सबको जो है ना उठा के उधर करिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा और इन दोनों में कॉमन कर लीजिएगा dy वाई अपॉन डी एक्स, जब dy वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे क्या बचा 2y बचा बराबर, इन दोनों को तो हम उधर लेके जा रहे हैं ना, तो जब 2x जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और इसको अगर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनिएगा, तो क्या हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ना, माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, माइनस 2x प्लस y, ठीक है, और बटा में ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ठीक है, लाइक करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना, देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना, देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे कितना आपका दिया है, यहाँ पे वाई क्यू इज इक्वल टू 81, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है ना, एक बार मिला लीजिएगा, देखिए इसका भी क्या करते हैं dy अपॉन dx निकालेंगे, सेम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें डरिएगा मत, कह रहा है ना पहले तो घात का अवकलन होगा, तो पहले लिखिएगा यहाँ पे x के सापेक्ष जो है अवकलन करने पे यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स एक्स पे क्यू, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस करके करिएगा ना कि द्वितीय फलन और इंटू क्या हो जाएगा आपका प्रथम का अवकलन, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, फिर इसका भी तो ऐसे करना पड़ेगा ना, प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का क्या हो जाएगा आपका अवकलन, ठीक है, और प्लस द्वितीय फलन और क्या होगा बच्चों आपका, देखिए यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, जब भी हम y पे बात करेंगे ना बच्चों, जब भी y पे बात होगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, जब भी y पे बात होगा ना, तो देखिए y एक अज्ञात चर है, इसलिए इसका दोबारा से करना पड़ेगा अवकलन, ठीक है ना, इसलिए कितना होगा इंटू करके dy dx, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतना तक तो हो गया बच्चों, अब ये बच रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका कितना, देखिएगा टोटल, सॉरी इसका प्लस करके इसका जो हो जाएगा द्वितीय फलन और ये d अपॉन डी एक्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन जरूर होता है लेकिन जब आप कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना, अब देखिएगा अब इसका करना है अपने को, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स वाई का क्यू, अब वाई का तो घात का यहाँ पे हो रहा है लेकिन वाई एक अज्ञात चर है, ठीक है, इसलिए इसका एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है ना, इंटू डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों डी एक्स बराबर जीरो इधर हो जाएगा क्योंकि इधर 81 है और 81 एक अचर संख्या है और अचर संख्या का अवकलन हमेशा क्या होता है जीरो होता है, ठीक है ना बच्चों, देखिएगा जरा बहुत बड़ा आपको दिख जरूर रहा है, ठीक है ना, बस आप इसको कंसेप्चुअल समझिएगा सब सही हो जाएगा, ठीक है ना, घात पहले आएगी कितना होगा 3, घात में से घटेगा 2 बचा, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का तो अवकलन हो नहीं रहा है तो वो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, वाई का पता नहीं क्या होता है तो ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे देखिएगा ये वाई का भी अवकलन नहीं हो रहा है,
एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो घात का अवकलन होगा ना इसमें, तो क्या होगा घात पहले आएगी और x पे घट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी x का अवकलन हो नहीं रहा था, y का अवकलन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए x का जो अब अवकलन नहीं हो रहा है तो x ही रहेगा, y घात का अवकलन है इसलिए घात पहले आएगी, और क्या होता है घात पहले आती है और घात में एक घट जाता है, ठीक है ना। ये पहले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, इसका हो गया, अब इसका तो हमें पता नहीं है y का, इसलिए dy अपॉन क्या करिएगा dx हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए इसका तो हो नहीं रहा है अवकलन, तो y स्क्वायर x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है एक होता है, ठीक है ना। फिर घात का अवकलन हो रहा है तो तीन पहले आएगा और घात में एक घट जाएगा, यानी कि दो बचेगा, यही ना। अब क्या होगा यहाँ पे dy अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों dx बराबर जीरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका टोटल, तो टोटल हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dy अपॉन हो जाएगा आपका dx प्लस ये हो जाएगा 2yx, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो जाएगा 2yx, ठीक है, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है ना। और ये y मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जैसा है वैसे लिख रहा हूँ उसको, कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्रम वाइज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर dy अपॉन हो जाएगा बच्चों dx बराबर जीरो। अब जितने dy अपॉन dx है ना सबको एक साथ कॉमन ले लीजिए, अब बिना dy अपॉन dx वालों को उधर आप कर लीजिएगा दूसरे साइड में, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए क्या होगा, ये सब इसमें से जब कॉमन लेंगे dy अपॉन क्या है dx में से, और सबको जो बिना जितने बिना dy अपॉन dx वाले हैं सबको उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद बचा क्या, यहाँ x स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस 2xy बचा, यहाँ क्या बच रहा है बच्चों, यहाँ पे जो है ना 3y स्क्वायर बच रहा है, ठीक है ना, 3y स्क्वायर बच रहा है। बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं ना उधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं, तो पहले माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ से यही ले जा रहे हैं माइनस 2xy, ठीक है, और इसको उधर लेके जा रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर, यही तो लेके जा रहे हैं ना। अब क्या होगा, अब इन सभी को क्या करेंगे नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से बाहर करिएगा ना सब में से, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, चूंकि माइनस प्लस में कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो आप बारहवीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम भी देने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। जल्दी से इसका भी आप क्या करिएगा स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए इसको हम क्या करते हैं इरेज कर देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ऐसे देखिए क्या है ना, जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे घर पे बैठ करके तो आपका प्रैक्टिस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और जब प्रैक्टिस बन जाएगा एक बार तो ये बस आपके उंगलियों का खेल हो जाएगा, ठीक है ना, अवकलन और समाकलन। मैं बेसिकली इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि क्योंकि एग्जाम आने वाला है और इससे लगभग 44 से 45 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादातर फोकस इस पर कर रहा हूँ। बाकी मैं सारी चीज़ पढ़ाऊंगा लेकिन सीरियल वाइज, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है कि बोर्ड एग्जाम के माते क्या हो रहा है चल रहा है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है ना 7वां नंबर, ठीक है ना, 7वां नंबर बताना है ना बच्चों। 7वां नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस, ठीक है ना, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है के है, ठीक है ना। चलिए इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे ज्ञात करते इसका मान, बहुत ही सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस x के सापेक्ष, ठीक है ना, अवकलन करना है, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करूं क्या, या फिर छोड़िए डायरेक्ट नहीं, मैं आपको सिंपली बताता हूं, ठीक है ना। तो d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, ये तो घात का होगा, ये तो घात का ना होगा, घात ना है बीच में, घात बोलेगा पहले पहले हमारा करो उसके बाद तुम अपना करना, ठीक है ना। तो घात करने के बाद वापस इनटू क्या होगा, साइन वाई का होगा, ठीक है ना, यहाँ पे साइन वाई का होगा, लेकिन वाई इसमें अज्ञात चर है, वो कहेगा कि मेरा कब करोगे, मेरा भी तो करना पड़ेगा, तो वाई भी कहेगा कि मेरा भी करो, इसलिए क्या होगा डी अपॉन डी एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो हमारा काम हो गया, लेकिन अब बात आती है इसकी, तो d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स वाई, तो आप जानते हैं कॉस एक्स वाई का तो हो जाएगा, लेकिन उसका कोण जो है एक्स वाई उसमें भी अज्ञात चर आ रहा है, ठीक है ना,
अब उन दोनों का भी करना पड़ेगा, दोनों का करना पड़ेगा, दो दो चर हैं और दो चरों का क्या है गुणनफल है। जब दो चरों का गुणनफल होगा तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटू क्या करके क्या होगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। पहले इंटू करके देखिए ब्रैकेट लगा लीजिएगा आप, ठीक है बच्चों। क्या होगा प्रथम फलन, क्योंकि इसको प्रथम फलन मानिएगा, इसको द्वितीय फलन मानिएगा, ठीक है ना। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, ठीक है ना। प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, ठीक है ना। इंटू क्या हो जाएगा प्रथम का अवकलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के जो है आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा आपका साइन स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका पहले टू साइन वाई, ठीक है। घात का अवकलन होगा क्योंकि घात पहले आती है, घात में घट जाता है, ठीक है ना। अब क्या होगा साइन वाई का हो जाता है आपका कॉस वाई, ठीक है ना। वाई का कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस, ये कॉस वाई का क्या होगा ना माइनस हो जाता है, क्योंकि कॉस का अवकलन हमेशा माइनस रहेगा, तो माइनस साइन एक्स, यानी एक्स जगह पर क्या है एक्स वाई है, और अंदर क्या बचेगा दोस्तों यहाँ पे बचेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर जीरो। अब देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है ना इसको आप लिख सकते हैं टू साइन वाई कॉस वाई, तो इसका फार्मूला होता है ना, ये साइन टू वाई का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन टू वाई, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस साइन, अंदर गुणा कर दीजिएगा एक्स वाई, ठीक है ना, और इंटू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। और यहाँ गुणा होगा तो माइनस वाई साइन क्या हो जाएगा एक्स वाई, गुणा तो करने आएगा ना, आप लोग बारह में चले गए हैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब दिक्कत कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पे हमको डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया है, बाकी यहाँ पे एक है, ठीक है ना। इन दोनों में से क्या कर लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा साइन टू वाई, यहाँ माइनस एक्स, और क्या हो जाएगा साइन टू साइन एक्स वाई होगा ना बच्चों, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है हम उधर लेके चले जाएंगे दूसरे साइड में, ठीक है ना, तो वाई साइन क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, बस इसको जो है पक्षांतर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा वाई साइन एक्स वाई बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना बच्चों, पोस्ट करना, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आधा क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया है और आधा इस चैप्टर का जो है ना हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जब हम आधा वीडियो जब अगले में देखेंगे तो सारा का सारा जो है इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आप जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया है इसको जा करके आप जो है एक एक करके ना रिवाइज करिएगा, ठीक है। जितना भी प्रश्न मैंने बताया है उसको कम से कम दो बार तीन बार जो है देख देख करके जो है अपने से रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अवकलन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।